भारत में कोरोना महामारी के लगभग 17 महीने हो चुके हैं। साथ ही दूसरे चरण की कोरोना महामारी की लहर निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जनता की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य को निरंतर निभाते चले आ रहे हैं। भैंसदेही पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार भैंसदेही थाने के अंतर्गत गाँव-गाँव में जाकर कोरोना महामारी से जनता को सुरक्षित रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस के जवान लॉकडाउन के दौरान अपने पूरे परिवार को छोड़कर देश की जनता की सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार भी उनके साथ किया जाता है, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी परवाह ना करते हुए सिर्फ जनता को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहकर कोरोना महामारी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान देकर आज भैंसदेही क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखने का काम पुलिस के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। भैंसदेही शहर के संवेदनशील SDOP शिवचरण बोहित ने कहा कि बैतूल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के मार्गदर्शन में भैंसदेही क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे हैं, जिसमें आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये बड़ी कठिन परिस्थितियों का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी जो चल रही है, ऐसे में हम सबका जो कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्यों को पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में। और रहा सवाल बच्चों से मिलने के आने जाने का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम सबको भी लगता है कि ये जो विकट परिस्थितियाँ चल रही, महामारी चल रही है, इससे निपटने की प्राथमिकता है और वो हम रखेंगे और है हमारी प्राथमिकता में। सर, देखा जाता है कि पुलिस निरंतर 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों के हो या कहीं भी कोई भी घटनाक्रम होता है तो तत्काल वहाँ पहुँच रही है, तो इस जो कोरोना महामारी में इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर पुलिस का बहुत बड़ा रोल नज़र आ रहा है, तो सर आप संक्रमण को इसमें कितना रोकथाम देखते हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने बताया कि पुलिस का महत्वपूर्ण रोल तो है ही इसमें, तो हम लोगों को गाँव में जा जा के समझाइश दे रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, जो उल्लंघन करता है हम उसके चालानी कार्रवाई भी करवा रहे हैं। साथ ही हमने सभी पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिए हैं और सबको बताया है वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कि अपनी सुरक्षा भी रखें, तो हम अधिकांश सभी को मास्क पहन के, और हमारे पास अब फेस शील्ड भी है, PPE किट भी है, हम उसका भी उपयोग कर रहे हैं। सर, भैंसदेही में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और क्या लग रहा है भैंसदेही के लोगों को देखकर आपको सर, यहाँ जनता के? देखिए, जैसा कि आपको सबको जानकारी में है कि बैतूल में भैंसदेही जो अपना अनुविभाग है, वहाँ अभी भी काफ़ी कम प्रकरण हमको देखने में आ रहे हैं। अभी ये सब आपका, जनता का और पुलिस प्रशासन का सबका सहयोग है इसके कारण ये, और आप देख रहे हैं हमने पूरे बरेली पूरी भैंसदेही को हमने सील्ड किया हुआ है। इधर आप देख लें तो बरहापुर रोड पे, चिचोली रोड पे, खामला रोड पे, गुदगांव रोड पे हमने सबको बैरिकेड करके सभी जगह हमने पुलिस फोर्स लगा के रखा है, और हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि लोग अनावश्यक कहीं ना निकलें, उसका प्रभाव भी हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ केसेस कम आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है, जिसका पालन कराने के लिए पुलिस जवान दिन रात ड्यूटी करने में जुटे हैं ताकि आम जनता को संक्रमण से बचाया जा सके। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।